बीजीआईएस के मैच में देखने को मिले जादूगर, चैट में चला टूटू ऐप, पकड़े जाने पर ओनर ने कहा ये मेरी टीम नहीं है। सो हे गेमर्स, क्या हालचाल? सो मैं फिर से आ गया हूँ बहुत सारी मसालेदार खबरें लेके। आज था बीजीआईएस का राउंड 4 और कुछ सस्पिशियस टीम्स देखने को मिली और कुछ सस्पिशियस क्लिप्स देखने को मिली। तो पहले आप वो क्लिप्स देख लीजिए। शुरुआत करते हैं हमारी पहली क्लिप की। जो पहली क्लिप थी मीरामार मैच की थी। सो इस क्लिप में आप देख सकते हैं रोनी नाम का बंदा कुणाल नाम के बंदे को लगातार ट्रेस करता हुआ पकड़ा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोनी ने यहाँ पे एक शॉट मारा। चलो ये तो मान सकते हैं कि लगा हो सही। घुसते ही वहाँ पे जंप हुए। ओहो, जिस टेबल के पीछे बैठे थे प्लेयर्स, वहाँ पे आपका सिर दिखता है क्राउच होने के बाद भी, और वही पॉसिबिलिटी हुई वहाँ पे नॉक हुए प्लेयर्स। एंड MICI जिन्होंने पहला नॉक निकाला था, अब वो पूरी तरह से बैकफुट पे। बट नाइट आउल्स, दे आर पुशिंग इन। कुणाल जो आखिरी प्लेयर बचा हुआ है, मैं देखना चाहूंगा उनको कितनी जल्दी देखा जाता। चलिए देखा, पर खास सोचा और समझा कि कहां पे शॉट देना है, दिया वो शॉट। बट कुणाल अभी के लिए बचने की कोशिश करते हुए। जी हाँ, वापसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका कर्सर लगातार कुणाल के ऊपर है, वहाँ पे भाग रहे हैं लेकिन उनका कर्सर लगातार उनके ऊपर है। हो सकता है उसे फुट स्टेप आ रहे हो, लेकिन इतना एग्जैक्ट ट्रेस करना तो ये क्लियर तभी होगा जब वो अपना POV प्रोवाइड करेगा। सो जो हमारी दूसरी क्लिप आ रही है वो सैनहॉक मैच की आ रही है। तो यहाँ पे सिलियो नाम के बंदे ने 12 फिनिश किए सिंगल मैच में। उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले उन्होंने ओमेगा को फिनिश किया, उसके बाद उन्होंने नियो को फिनिश किया। वो निकालने की वो कोशिश कर ही रहे थे कि निंजे वो आते हैं, उन्होंने गाड़ी वहां पे ब्लास्ट करी और इसी के साथ देखते ही देखते टीम सोल ये नोवा मुकाबला। जब मैं इसको जूम करता हूँ इसमें आप देख सकते हैं नियो एक बार को कोने पे आए थे सुनमो के। सो हो सकता है यहाँ पे नियो हल्के से स्पॉट हुए हो। बिना POV देखे मैं इसको क्लियरली नहीं कह सकता हूँ, तो डाउटफुल तो है, तो क्लियरली मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। आते जाते वो जो फ्रैग्स था वो निकालने की वो कोशिश कर ही रहे थे कि निंजे वो आते हैं, उन्होंने गाड़ी वहां पे ब्लास्ट करी और इसी के साथ देखते ही देखते टीम सोल ये नोवा मुकाबला। जहां तो बात करते हैं हमारी तीसरी क्लिप की, जो भी सैनहॉक मैच की आ रही है। से जोन के अंदर तक का सफर इनका बहुत शानदार देखने को मिला। अभी के लिए शानदार इनका स्प्रे और यहाँ पे नॉक किया इन्होंने एक प्लेयर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा स्मोक हुआ था, तो सिलियो का आप कर्सर देख सकते हैं। जब तक कोई बंदा वहाँ पे नहीं आया तब तक उसने गोली नहीं चलाई। जैसे ही बंदे वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसी समय वो गोली चलाता है, उसमें बंदा नॉक होता है। हो सकता है रैंडम स्प्रे भी हो, डाउटफुल तो ये भी है, लेकिन जैसे इनका POV मिल जाएगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी भी सामने 4 फ्रैग्स इनको मिले थे और उसके बाद से जोन के अंदर तक का सफर इनका बहुत शानदार देखने को मिला। सो कम्युनिटी में काफी हैकर बस्टर्स हैं, ये काम मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। सो बात करते हैं इनसे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर। तो इसके बाद क्या होता है, लोग इनको सर्च करते हैं इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पे। सो इनके नाम का एक पेज आता है, उसका नाम है nightout.gg। उसके बाद ये एक स्टोरी लगाते हैं जिसमें क्लियरिफाई करते हैं जो टीम ये BGIS में खेल रही है उनका उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, उनने कभी उनको साइन नहीं किया और उनको नहीं जानते हैं, और उनका नाम और लोगो दोनों कॉपी हुआ है। जो इसमें क्लियर खेला है क्लियो नाम से, इनका कहना है कि ये किसी भी टाइप के हैक या इस टाइप की एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करते हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा अपने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। जो टीम BGIS में खेल रही है उनने भी एक स्टोरी लगाई, उनने कहा कि हाँ उनने सफारी में रैंडमली सर्च किया था लोगो और उनने भी वही सेम लोगो यूज कर लिया। जो रिसेंटली अभी हैकर्स के POVs आए थे वैसी क्लिप तो इनमें कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत सस्ते। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना।